नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देश भर में जातीय गणना की मांग आजकल हॉट केक बन चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हर मंच से जातीय गणना की मांग उठा रहे हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में सबसे पहले जातीय गणना कराकर एक नजीर पेश की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश में जातीय गणना की मांग की है, जिस पर सियासत गर्म है। आखिर राहुल गांधी पर बीजेपी, जेडीयू से लेकर प्रशांत किशोर क्यों हमलावर हैं और क्यों राहुल के लिए घड़ियाली आंसू बहाने की बात की जा रही है, इसे इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। राहुल गांधी ने प्रयागराज में संविधान विषय पर एक कार्यक्रम में देश में फिर से जातीय गणना की मांग की तो सियासत बेहद गर्मा गई। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जातीय गणना की मांग तो उठा रहे हैं लेकिन अपनी जाति नहीं बता रहे। गिरिराज ने राहुल गांधी पर बेतुकी सियासत करने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा, अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल जी को यह समझना होगा कि बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार ने कराई, पर राहुल जी ने कभी बिहार सरकार की तारीफ नहीं की। कास्ट सेंसस के नाम पर वे सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जब हम लोग एनडीए में नहीं थे, कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं। जातीय गणना पर जारी सियासत के बीच जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रशांत ने कहा कि केवल जातीय गणना करवा लेने से दलितों और पिछड़ों की स्थिति नहीं सुधरेगी। राहुल, कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय गणना क्यों नहीं करवाते? ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई पनिशिया है नहीं। चलिए मान लीजिए अब उनको अकल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। देश में जातीय गणना को लेकर सियासत लोकसभा चुनाव से पहले ही गर्म है। इंडी गठबंधन के नेता और खासकर राहुल गांधी लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि देश में कास्ट सेंसस हो, पर एनडीए के नेता विपक्ष पर जातीय उन्माद फैलाने और मतलब की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि आखिर जाति गणना की मांग क्यों उठ रही है। तो देखिए, सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू, राज्यों को ओबीसी वर्ग की पहचान का अधिकार मिला, आरक्षण की 50% की सीमा अमान्य हो सकती है। ओबीसी वर्ग की पहचान राज्य सरकार कर सकती है, किसकी कितनी आबादी है इसका पता चल सकेगा और उसी अनुपात में आरक्षण दिया जा सकता है। तो बिहार सरकार ने जाति गणना कराकर नजीर पेश की है। नीतीश कुमार ने देश भर में जाति गणना की मांग की थी। राहुल गांधी पहले इसे नकार चुके थे। इंडी अलायंस की बैठक में ही इनकार किया गया था। अब राहुल गांधी हर मंच से इसकी मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर जाति गणना हो जाती तो उससे आखिर क्या फायदे मिल सकते हैं, ये भी समझते हैं, वो भी हम आपको एक एक कर बताते हैं। तो वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में इसके जरिए लाया जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ साथ
हालात की जानकारी के बाद उत्थान के लिए नीति बनाई जा सकती है। समाज के सभी वर्ग के कल्याण की नीति बनाने में मदद मिल सकती है। आबादी के हिसाब से आरक्षण की सीमा भी बढ़ सकती है। तो जाति गणना का विरोध करने वालों के भी अपने तर्क हैं। आखिर जाति गणना का विरोध क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत में जाति की जड़ें काफी गहरी हैं। ओबीसी इसी में कई जातियां काफी आगे हैं। नौकरी, सरकारी लाभ कुछ वर्ग तक ही सीमित है। पिछड़े में संपन्न वर्ग अपना लाभ नहीं छोड़ पाएंगे। अभी तक सामाजिक सोच में बदलाव नहीं दिखाई देता है। अब नई चुनौती से मुकाबले की जरूरत भी है। जाति की पुरानी समस्या में कब तक उलझे रहेंगे, ये सवाल है। और जाति की वजह से समाज में भेदभाव होता है। समाज में अब टूटता जाति और धर्म का बंधन दिखाई दे रहा है। विकास की दौड़ में जो जाति है वो पीछे छूट रही है। तो इन सब के बीच राहुल गांधी की मांग और इस पर सियासत जो है वो तेज नजर आ रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चिराग पासवान ने जातीय गणना का समर्थन किया है। रांची में पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि जातीय गणना हो, क्योंकि जातियों की गणना से योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी। तो लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए। तो देश भर में जातीय गणना की मांग पर सियासत भी जारी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने ही बिहार में सबसे पहले जातीय गणना कराई थी और देश में जातीय गणना की मांग को राहुल गांधी ने इंडी अलायंस में पहले नकार दिया था। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। दो बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको श्री सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में। अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। और जब हम लोगों ने करा लिया, आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया, नहीं किया। 67% जो आरक्षण इस सदन ने लाया था नीतीश कुमार जी एंड गवर्नमेंट, तो हम जानना चाहेंगे उस पर अध्यादेश क्यों नहीं आया। और जाति जनगणना नीतीश कुमार जी भी थे, तो जाति जनगणना में जब नीतीश कुमार जी खुद ही करवाए तो इलाज की जरूरत पहले बीजेपी वालों की है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए हुए। जातीय गणना की मांग उठाने वाले राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूछा कि राहुल गांधी कर्नाटक में कब जातीय गणना कराएंगे। वहीं आप नेता संजय सिंह ने ओबीसी वर्ग की संख्या जानने के लिए जातीय गणना पर जोर दिया है। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा, अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। जातीय जनगणना इस देश के ओबीसी एससी एसटी समाज के बीच में एक बहुत बड़ी डिमांड है, और जातीय जनगणना किए बगैर आप उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपने कब से आपने जातीय जनगणना कराई ही नहीं,
तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इस वक्त जरूरी है कि देश में सभी जातियों का सामाजिक आर्थिक हालात उनके क्या हैं, इसके लिए जातीय जनगणना हो। जातीय गणना की मांग को लेकर बिहार में सियासत भी गर्माती दिख रही है। एनडीए में शामिल दलों ने राहुल गांधी की मांग पर हमला बोला है और कांग्रेस शासित राज्यों में अब तक जातीय गणना नहीं कराने को लेकर सवाल पूछे हैं। तो इंडिया अलायंस के दलों ने एनडीए पर जातीय गणना से डरने का आरोप लगाते हुए जातीय गणना को हकीकत बताया है। माननीय राहुल गांधी जी को जाति और परिवार से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। जिसकी बुनियाद में होगी परिवारवाद, वह विकास की बात कैसे कर सकता है। ये लोग सिर्फ जाति के नाम पर लोगों में नफरत पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस ने देश में दशकों तक शासन किया, तब जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई। असल में राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया जिसे लेकर वे जनता के बीच जाकर वोट मांगे। जातीय जनगणना की बात होती है या आरक्षण व्यवस्था बढ़ाने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना शुरू कर देती है। ये राजनीति का समय नहीं है कि राजी स्पष्ट कीजिए और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जातीय जनगणना कराने से डर क्यों रही है, जातीय जनगणना के प्रति गंभीर क्यों नहीं है। राहुल गांधी दूसरे की जाति पूछने में तो तत्पर रहते हैं पर जब अपनी जाति की बात आती है तो हायतवा मचा देते हैं। केंद्र सरकार उपयुक्त समय पर जातीय गणना करवाएगी, उसके बगैर भी केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो हर जाति हर धर्म का समावेशी विकास कर रही हैं। पर आखिरी में एक सवाल है राहुल गांधी जी, क्या कांग्रेस शासित राज्यों में जैसे तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में अब तक आपने जातीय गणना करवा दिया क्या? राहुल गांधी जी को इस विषय पे बोलने का मुझे नहीं लगता कि कोई मोरालिटी है, क्योंकि जब केंद्र में इनकी सरकार थी और देश में कास्ट सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुए, उस सेंसस के जो रिपोर्ट आए उस रिपोर्ट को इन लोगों ने प्रकाशित तक नहीं होने दिया। तो राहुल गांधी जी का यह बयान पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित और जनता को भ्रमित करने का ये प्रयास करने रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जातिगत जनगणना देश की मांग है, देश की हर कोने से आवाज उठ रही है और राहुल गांधी जी उसी की पैरवी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सही मायने में थेट्रोलॉजी तो गिरिराज सिंह जी कर रहे हैं। कभी भी उन्होंने एक भी बयान ऐसा दिया है जो समाज कल्याण और पॉलिसी पे हो, कहीं भी वो भाजपा के बयानवीर हैं। लेकिन उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना आर्थिक सामाजिक जनगणना देश में होके रहेगी और उनको करना पड़ेगा। और उससे इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से यूक्रेन की ओर से रूस पर बड़ा हमला किया गया है। तस्वीरें आ गई हैं जहां यूक्रेनी सेना का एक ड्रोन सीधे रूस के सरातो की सबसे बड़ी इमारत से टकराया है। इस हमले को साल 2001 में हुए 9/11 के हमले के जैसा बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि इस बड़े हमले में आधी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सेना का रूस पर हमला हुआ है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सारातोव में ड्रोन से हमला किया गया है। सातारा में रिहायशी इमारत से ड्रोन कैसे टकराया है उसकी ये तस्वीर है। ड्रोन अटैक के बाद से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। ड्रोन हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। ड्रोन हमले से करीब 20 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि रूस के एंगल्स एयरबेस पर ड्रोन हमले की कोशिश थी। एयरबेस से 12 किलोमीटर पहले इमारत में ड्रोन हमला हुआ। कुछ हवाई हमलों को रूस ने नाकाम कर दिया है। तो 2 तस्वीरें जहां ड्रोन आर्मी का हमला और दूसरी तस्वीर उस भयावह मंचर की जहां पर तबाही नजर आ रही है और कई वाहन जो है वो भी क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले को साल 2001 में हुए 9/11 के हमले जैसा बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला भी बुरी तरह से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि इस बड़े हमले में आधी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सेना का रूस पर यह हमले की तस्वीर। चलिए बढ़ते आगे, दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा का आज आखिरी दिन है। पटना में लगभग 42 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच यह परीक्षा ली जा रही है। शिक्षक और शिक्षिकाओं को जांच के बाद ही सेंटर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। महिला शिक्षकों के गहने निकलवाकर जहां प्रवेश मिल रहा है, वहीं पुरुष शिक्षक जूता और बेल्ट पहनकर अंदर नहीं जा सकते।
शिक्षकों ने कहा कि सिर्फ शिक्षक ही क्यों, हर डिपार्टमेंट में इस तरीके से एग्जाम होना चाहिए। परीक्षा देने आए शिक्षकों से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा। क्षमता परीक्षा पास करनी होगी और उसी के मद्देनजर राजधानी पटना में दूसरे चरण के तहत सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई है। दो पालियों में ये परीक्षा हो रही है और आज परीक्षा का आखिरी दिन है। राजधानी पटना में 42 सेंटर बनाए गए हैं जहां शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं। यहां देख सकते हैं शिक्षकों की लाइन लग गई है और कड़ी सुरक्षा के बाद इन्हें अंदर सेंटर में एंट्री दिया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा देने के लिए शिक्षक जूता पहनकर नहीं जा सकते, सभी शिक्षक चप्पल में आए हैं। अगर जो जूता पहनकर आए हैं उन्हें बाहर ही खुलवा दिया जा रहा है। अनाउंस भी कराया जा रहा है कि जो भी बेल्ट पहनकर आए हैं, जूता पहनकर आए हैं, उन्हें बाहर उतरवाया जाएगा क्योंकि अंदर कड़ी सुरक्षा के बीच सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। सर एग्जाम देने आए हैं, नहीं परीक्षा होनी चाहिए, नाराजगी नहीं है, खुश है, ऐसे सभी विभाग में परीक्षा होनी चाहिए, सिर्फ शिक्षक ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, सभी शिक्षक की सभी विभाग में एग्जाम होना चाहिए। आप भी एग्जाम देने आई हैं तो अब कानवान का पहले से खोल कर आई, ज्वेलरी बता कर मैं अभी खोल के आई हूँ, बोला गया कि खोलने के लिए है तो कानवान कुछ नहीं पहनना है। बोला तो ज्यादा फर्स्ट में तो दी थी ऐसा तो कुछ भी नहीं था, फर्स्ट में भी नहीं पहने दिया था तो इस बार नहीं, फर्स्ट में पहन के मैं गई थी, टेप मार दिया था, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खुलवा दिया। हाँ आज खुलवा दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो आज खुलवा दिया जा रहा है और जो लाइन है यहाँ देखिए, जो शिक्षक हैं एक एक करके वो अंदर जा रहे हैं और सभी अपने हाथों में एडमिट कार्ड लिए हुए हैं, पहचान पत्र लिए हुए हैं, जो भी जूता पहने हैं उन्हें जूता खुलवा दिया जा रहा है, बेल्ट हटवा दिया जा रहा है। जो महिला शिक्षिकाएं हैं वो कोई ज्वेलरी पहन के नहीं जा सकती, यानी ना अपने कान में कुछ पहन सकती है ना मंगलसूत्र पहन सकती है, उन्हें पहले ही खुलवा दिया जा रहा है। हालांकि शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ शिक्षक ही क्यों, सभी डिपार्टमेंट में इस तरीके से एग्जाम लेना चाहिए और हर डिपार्टमेंट को अपनी जो क्षमता है उसे साबित करना चाहिए। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बिहार के टॉपर्स की फैक्ट्री कहे जाने वाले जमुई जिले के सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र और छात्राओं के पास से 300 से अधिक मोबाइल फोन मिले हैं। हॉस्टल के कमरों से मोबाइल मिलने के बाद सभी हैरान हैं कि आखिर ये सब कब से और कैसे चलते आ रहा है। जिस आवासीय स्कूल में छात्र और छात्राओं को मोबाइल रखने से मनाही है वहां एक दो नहीं, जांच के दौरान करीब 300 मोबाइल फोन और चार्जर मिले हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को स्कूल के सभी क्लासरूम में बच्चों की उपस्थिति कम देखी गई, तब प्रभारी प्राचार्य के कहने पर शिक्षकों ने गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल की जांच शुरू की, तब पता चला कि हॉस्टल के कमरे में बाहर से ताला लगा था और अंदर हरेक कमरे में 4 से 5 छात्र सो रहे थे। हॉस्टल के कमरों की जांच की गई तो बड़ी संख्या में मोबाइल मिले। मोबाइल पकड़े जाने के बाद छात्र आक्रोशित हो गए, मारपीट का आरोप लगाकर तोड़फोड़ भी कर डाले। हम 100% नहीं ले सकते कि ना बच्चा कैसा, क्योंकि सबका अलग अलग भाव है, लेकिन हमको जहां तक पता है ज्यादातर बच्चों का भाव सर मोबाइल की वजह से नहीं हुआ है सर। आप किसी का मार्क देखिएगा कल, जो मोबाइल लेना तो यह है सर कि गलती था हम लोग का, कुछ कारण भी था इस वजह से हम लोग रख रहे थे, लेकिन सर मोबाइल लेने के दौरान सर हम लोग का, आप एक बार छात्रावास देखिएगा कि किस प्रकार हम लोग का सामान सबको फेंका गया है, टोड़ा गया है, चोरी किया गया है, पैसा चोरी गायब है। शिक्षक हम शिक्षक पे नहीं दोष दे रहे सर, हम शिक्षक पे दोष नहीं दे सकते क्योंकि शिक्षक हमारे भगवान स्वरूप है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग उनका आदर करते हैं। टीचर थे सर, लेकिन किन्हीं का बहुत जगह बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूशन में हो रहा है तो वहाँ चले जा रहे हैं, ये 2010 से ही चलता आ रहा है सर। यहाँ टीचर कब तक, पिछले महीने ही टीचर आए हैं, पिछले 1.5 महीने में टीचर आए हैं, तो तब तक बच्चे सब अपना पढ़ाई सर रोक तो नहीं सकते हैं सर, तो उसके लिए सर सब फोन रखे हैं सर। आप बताइए कि इतने महंगे महंगे मोबाइल के सेट बच्चे क्या है, उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो खरीद लेंगे 25,000, 30,000, 20,000 का मोबाइल आपकी नजरों के सामने? अगला कदम क्या होगा आपका? हम बिल्कुल मोबाइल फ्री जोन जो है, हम प्राचार्य के रूप में जब से मैं कार्य किया हूँ, यहाँ पर आया हूँ, प्रभार लिया हूँ, तो मैंने संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो इस मोबाइल से मुक्त हमको इस विद्यालय को करना होगा, अन्यथा यहाँ के बच्चे लेट नाइट तक पता नहीं क्या क्या देखते हैं। एकेडमिक में बहुत पुअर अटेंडेंस होता है, पहले एक बहाना होता था कि यहाँ शिक्षक कम है, लेकिन 15 जुलाई से हमारे पास 18 शिक्षक BPSC जो द्वारा जो चयनित थे उनका फिर से इंटरव्यू डेमो क्लास लेकर के तब उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और देखिए कई सवाल भी हैं
ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद सवाल एक ही, सिमुलतला के हॉस्टल में कैसे 300 मोबाइल पहुंच चुके, और सवाल ये भी है कि पढ़ाई की जगह क्या मोबाइल में छात्र भी जीते हैं, और सवाल ये भी कि क्या मोबाइल की वजह से स्कूल का रिजल्ट बिगड़ रहा है। और इस बीच गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां गंडक नदी में 4 लोग डूब गए, नहाने के दौरान यह हादसा हो गया, एक दूसरे को बचाने में सभी डूब गए। बैकुंठपुर के मुंजा गांव में हादसा हुआ है, घटनास्थल के लिए एसटीआरएफ टीम रवाना हो चुकी है, लोगों को खोजने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। गंडक नदी में 4 लोग डूब गए, बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान यह हादसा हुआ और एक दूसरे को बचाने में सभी डूब गए। बैकुंठपुर के मुंजा गांव में हादसा हुआ है और खोजबीन के लिए, घटनास्थल के लिए एसटीआरएफ टीम रवाना हुई है। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।